भाई तुझे देख रही नाम जतिन है। झाड़ू तो लोग मुझे यार रिस्पेक्ट में बुलाते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 15 स्कूल और कॉलेज लाइफ पे बेस्ड सीरीज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इसी टाइप के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे किस तरह के टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं इसके लिए कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और चलो सीधे लिस्ट पे आते हैं। तो नंबर 15 पे है ब्रो कोड, और अनरेटेड होने की वजह से इसे मुझे इतना नीचे रखना पड़ रहा है। तो सीरीज़ एक कॉलेज लाइफ कॉमेडी सीरीज़ है जो स्पेशली बॉयज़ के लिए बनाई गई है। तो अगर आप ऐसी कॉमेडी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो जाइए जाके देखिए भुवन बम की ब्रो कोड। मेरा नाम है बंडो पंत रमनिक लाल ओझा। हम है ना यार यूट्यूब के स्टार्स। तो नंबर 14 पे है मिस मैच, जिसे IMDb ने दिए हैं 5.3 आउट ऑफ 10, 83% ऑडियंस स्कोर के साथ, जहाँ पे हमें दिखाई जाती है अनदर कॉमेडी स्टोरी जो कि कॉलेज लाइफ की है, जहाँ पे हमें एक लड़का और एक लड़की लीड कैरेक्टर में दिखाए जाते हैं। अब लड़की अपने सपने पूरे करने आती है कॉलेज में और लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए। तो अगर आप इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए मिस मैच। तो लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा इंस्टाग्राम भी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हमसे मिलना चाहते हैं और डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर 13 पे है इंजीनियरिंग गर्ल्स, जिसे IMDb ने दिए हैं 7 आउट ऑफ 10, जहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई जाती है तीन लड़कियों की जो कि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कर रही होती हैं। तो ये तीनों लड़कियाँ अपने साथ हो रहे ट्रामा, अपने रिलेशनशिप और अपने कॉलेज लाइफ को कैसे संभाल के रखती हैं, इसी पे पूरी सीरीज़ बेस्ड है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए इंजीनियरिंग गर्ल्स। तो नंबर 12 पे है द रियूनियन, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.8 आउट ऑफ 10 और जिसकी ऑडियंस स्कोर है 91%। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि 6 लोग जो कि दोस्त होते हैं कई साल बाद वापस से मिलते हैं। उन्हें होम टाउन छोड़ के जाना पड़ा था अपने कॉलेज के लिए और अब वो वापस से मिल रहे हैं कॉलेज पूरा करने के बाद, और इन्हीं पे बेस्ड है ये सीरीज द रियूनियन। नंबर 11 पे है ऑपरेशन MBBS, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.1 आउट ऑफ 10 और ऑपरेशन MBBS हमें स्टोरी दिखाता है तीन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की जो कि MBBS करने आए हैं और इन्हीं के आसपास स्टोरी घूमती रहती है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जहां पे तीनों लीड कैरेक्टर्स का MBBS में कैसा एक्सपीरियंस रहा, यही चीज़ इस सीरीज़ में दिखाई गई है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए। स्टूडेंट्स इन बॉडीज को देखकर घबराने लगे। पूजा आ रहा तू? नहीं निशान, प्रिंस की लाइफ झंड है, ये क्या है? डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हैं, पागल भी होते हैं जिनसे दूसरों का पेन नहीं देखा जाता। नंबर 10 पे है TVF Bachelors, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.2 आउट ऑफ 10 और जिसे आप आराम से YouTube में ही फ्री में देख सकते हैं। ये एक कॉमेडी सीरीज है जहाँ पे आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह के बैचलर्स दिखाए जाएंगे और उनके फ़नी एक्ट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें हमारे भुवन बम भी हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं यूट्यूब में TVF Bachelors। एक मोटू चुप कर, ट्रेलर में ओवर रिएक्ट करते हैं, पढ़ो पल्ली। नंबर 9 पे है गर्ल्स हॉस्टल, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.2 आउट ऑफ 10 और जी हाँ, ये भी एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ ही है जहाँ पे ऑब्वियसली हमें हॉस्टल्स की गर्ल्स दिखाई जाती हैं। मेन स्टोरी का फोकस हॉस्टल की कुछ रूममेट्स पे होता है, जिसे कॉमेडी ड्रामा में दिखाया गया है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमें गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जा रहा है बॉयज़ हॉस्टल की जगह। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल। नंबर 8 पे है क्लास ऑफ 2020, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.3 आउट ऑफ 10। ये सीरीज़ भी एक कॉमेडी सीरीज़ है जिसकी स्टोरी कुछ टीनेजर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पे हमें टीनेजर की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है कि वो किस किस चीज़ों से गुजरते हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स, और उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जी हाँ, ये एक कॉमेडी सीरीज़ ही है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं क्लास ऑफ 2020। वेलकम टू द क्लास ऑफ 2020। कहाँ खो गए बकचोद? बट ये तेरे टाइप वाला लाइक नहीं है। फर्स्ट टाइम तेरी को गर्लफ्रेंड बन। नंबर 7 पे है व्हाट्स योर स्टेटस, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.4 आउट ऑफ 10, जिसकी स्टोरी
हमें रिलेशनशिप के तीन स्टेज के बारे में दिखाती है, सिंगल, कमिटेड और मैरिड, और इसी चीज़ के आसपास पूरी सीरीज़ इर्द गिर्द घूमती रहती है। और ये कॉमेडी सीरीज़ है जिसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं फ्री में, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए। व्हाट्स योर स्टेटस? आई एम बलजिंदर। पसंद भी तो आनी चाहिए ना कोई। स्टेटस सिंगल। नंबर सिक्स पे है लाखों में एक, जिसे आईएमडीबी ने दिए हैं 8.3 out of 10 और जिसका ऑडियंस स्कोर है 91%। यहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर आकाश के बारे में, जो कि एक टीनेजर है जो कि तैयारी कर रहा है आईआईटी की, और उसी के लिए वो रायपुर से आया है कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए। तो इसी की कहानी आपको पूरी सीरीज़ में देखने को मिलेगी, और ये कॉमेडी सीरीज़ है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए लाखों में एक। आईटी कोचिंग सेंटर में कुछ नमूने मिलते हैं। 55%। हाँ, मुझे नहीं लगता है मेरा आईटी में एडमिशन होगा। काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं। लाखों में एक। तो नंबर 5 पे है हॉस्टल डेज, जिसे आईएमडीबी ने दिए हैं 8.6 out of 10 और ये एक कॉमेडी सीरीज है जहाँ पे हमें चार मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, और इन्हीं का एडवेंचर हमें पूरी सीरीज में दिखाया जाता है। तो अगर आप इस सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए हॉस्टल डेज। कॉलेज ना तो हिरानी का थी। अंकित पांडे सिविल 5502। बैकपैन से, कंप्यूटर से, स्टूडेंट से। मंगलयान मार्स में घुसा था ना। दूध नहीं पिलाओगी? हाथ पकड़ा है कल उसके। पेंसिल को गांड से उठाई। बहच ही बेकार आया है। नंबर 4 पे है आई एम मैच्योर, जिसे आई एम डीबी ने दिए हैं 8.8 out of 10 और ये एक कॉमेडी स्कूल लाइफ सीरीज है जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है ध्रुव नाम का एक लड़का, जिसका अपनी क्लास की टॉपर छवि नाम की लड़की पे एक क्रश होता है। तो वही चीज़ हमें पूरी सीरीज में दिखाई गई है, और ये एक बड़ी ही कमाल की कॉमेडी सीरीज है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं आई एम मैच्योर। मंडी संडी जो प्रियंका कल शाम तो नहीं होते ना, ये हूँ मैं ध्रुव शर्मा। कैन मेरी जी और एंबिशन तो अब तू मैच्योर हो गया। शट अप। बार प्यार होता है ना बेसिकली, फिर मैंने सुने आज तो बहुत भंड होना है। नंबर 3 पे है कॉलेज रोमांस, जिसे आईएमडीबी ने दिए हैं 8.9 out of 10। ये स्टोरी है तीन बेस्ट फ्रेंड्स की जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। अब इन्हीं के रिलेशनशिप और उसके कारण क्रिएट हुए प्रॉब्लम्स के आसपास ये पूरी सीरीज़ घूमती रहती है, और ये कॉमेडी सीरीज़ है जो कि आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी फ्री में, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देखिए कॉलेज रोमांस। तुझे ये बग्गा पसंद कैसे आया? डिक्स मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे मुंडा। तो नंबर 2 पे है कोटा फैक्ट्री, जिसे आईएमडीबी ने दिए हैं 9 out of 10 और मुझे नहीं लगता है इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है, लेकिन जस्ट इन केस कि अगर आप नहीं जानते तो ये सीरीज़ एक लड़के की कहानी पे बेस्ड है जो कि कोटा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो कितनी ही पढ़ाई कर लेता है इसके ही बारे में आपको पूरी सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है तो इसमें आपको कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए कोटा फैक्ट्री। कोटा ATJEE की बेस्ट कोचिंग है। अबे मैं कोटा ऐसा क्या करेगा, पर तो घर पे भी सकता था। लाचार लड़का बीच सेमेस्टर कोटा आ गया। जब सेव कर ले फिर वो कभी आईटी नहीं कर पाते। घर वालों को फोन करके कह देना कि तुमसे आईटी नहीं होगा। लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, आईटी क्रैक करेंगे। तो नंबर 1 में जाने से पहले मैं कुछ सीरीज का नाम लेना चाहूंगा जो कि काफी अच्छी सीरीज है लेकिन वो इस वीडियो में नहीं आ पाई, और उनमें से कुछ का नाम है फर्स्ट, स्कूल डायरीज और ये मेरी फैमिली। तो अब सीधे नंबर 1 पे आते हैं। तो नंबर 1 पे है फ्लेम्स, जिसे आईएमडीबी ने दिए हैं 9.1 out of 10 और ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज़ है, और अगर सही मामलों में कहा जाए तो ये एक ऐसी रोमांटिक सीरीज़ है जहाँ पे हमें कोचिंग क्लास में रोमांस दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का एक क्रश है, और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी फट्टू टाइप का है, तो अब वो कैसे अपनी बात आगे बढ़ाएगा इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अगर नहीं भी हैं तो भी जाके देख लीजिए फ्लेम्स। और अचानक हीरोइन की जगह तुम आ जाओ ना तो ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा। तो मैं हीरो कौन हुआ? तो, पर हम हैं नंबर 1। मैं चाहता हूँ कि हम बेस्ट कपल बने, पता है।
मेरे सामने अनुषा को चिपक के मिलता है यार। हाँ तू तो बड़ी कैटरीना है ना, लंदन आओ। राजा तुम्हें नहीं आ सकता, ट्यूशन नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे घर आ गया, पर तुम एक मिनट नहीं आए ना मिलने। क्या आदत है यार उसकी, यार ब्रेकअप हो जाए, पीछा छूटे तेरा। ये जो लम्हा सर आपको और मेरा ना कार्बन कार्बन का बॉन्ड है एकदम। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे वीडियो देखने के लिए, और अगला टॉपिक क्या रहा है इसके लिए कमेंट कर देना, और ज़रूर से इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गुड बाय।